आपको पता है कर्क राशि वालों, आपकी जो राशि है उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा के परम मित्र हैं देव गुरु बृहस्पति, और देव गुरु बृहस्पति उदित हो रहे हैं, और कर्क राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति 11वें घर में बैठे हैं आशीर्वाद के साथ में। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, कर्क राशि वालों तुम पर कृपा है, तुम पर बड़ी कृपा है गुरु की, कि वो 11वें घर में बैठकर तुम्हारे लिए प्रॉफिट और लाभ के रास्ते खोल रहे हैं। लाभ, प्रॉफिट, सफलता, सक्सेस, इसके बंद रास्ते तुम्हारी जिंदगी में गुरुदेव खोल देंगे उदित होते ही। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के परम मित्र हैं गज के ऋषि, योग बनाते हैं, उदित हो रहे हैं लाभ और प्रॉफिट के भाव में, तो 10 गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा बाकी राशि वालों से। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुरु की उदित होने के बाद उनके मित्र राशि के स्वामी चंद्रमा पर क्या शुभ परिणाम मिलेगा, कर्क राशि वालों के चेहरे की मुस्कुराहट कैसे बड़ी हो जाएगी, कर्क राशि वाले कैसे शानदार रिजल्ट पाएंगे, कर्क राशि वालों का जीवन बदलने वाला है, कर्क राशि वालों के जीवन की कठिनाइयां दूर होने वाली हैं क्योंकि गुरु आपके लिए लाभ भाव में उदित हो रहे हैं, यानी धन दौलत देने वाले भाव में वो उदित हो रहे हैं। अब आप काम करेंगे तो पैसा बरसेगा, आपकी नौकरी व्यापार में आपको पैसों की कमी नहीं रहेगी, हर तरफ से सोना चांदी बरसेगा, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ध्यान से देखिए गुरु 11वें घर में बैठे हैं, परिवार बनेगा, परिवार की समस्याएं दूर होंगी, आशीर्वाद मिलेगा आपको, आपके अच्छे दोस्तों का उनकी वजह से आप आगे चलेंगे, एक अच्छा ग्रुप सर्किल होगा। 11वां घर धन दौलत का है तो नौकरी और व्यापार इतना अच्छा चलेगा कि धन दौलत बरसने लगेगा, आप कहेंगे मैंने करोड़ों रुपए छाप लिए। ये जो मैं टाइटल दिया है ना, क्या दिया है कि कर्क राशि वाले 4 जून से करोड़ों रुपए छापेंगे, ये बिल्कुल सही है, आप करोड़ों रुपए छापने वाले हैं। गुरु उदित हो रहे हैं, धन वर्षा करेंगे, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पिता गुरु के आशीर्वाद से आप तरक्की के रास्ते पर चलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपकी फैमिली को सुख मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी संतान का आपको पूरा सुख मिलने वाला है, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी, तकरार दूर होगी, प्यार की मिठास बढ़ेगी, आप मजबूत व्यापारी बन के निकलेंगे, आप बहुत बढ़िया नौकरी में अपने आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, नौकरी व्यापार में आपकी सफलता की तो क्या कहना, आप सोशल मीडिया पर छाए रहेंगे, दूसरों के लिए आप खतरा बन जाएंगे, दूसरों के लिए आप खतरा बन जाएंगे क्योंकि इस समय में आप दूसरों की सफलता को भी अपनी सफलता में मिला लेंगे, दूसरों को जो मिलना है वो भी आपकी तरफ खींचा चला आएगा, आर्थिक मोर्चे पर मजबूत रहेगी, पैसों के मामले में जबरदस्त मजबूती देखने को मिलेगी, बचत भी होगी, जीवन साथी से तालमेल बढ़िया होगा, ईमानदारी से काम करिए, अपने किए गए वादों को निभाइए और बिल्कुल भी मत घबराइए, ये समय सक्सेस का है। यहाँ पर गुरुदेव आपको मालामाल कर रहे हैं, सेहत बढ़िया, पैसा बढ़िया, घर परिवार बढ़िया, इज्जत बढ़िया, मान सम्मान बढ़िया, जहाँ जाएं वहाँ पर लोग आपकी तारीफ करें, आपका बैंक बैलेंस भरा रहे, आप 10-10 अंगूठियाँ खरीदेंगे सोने की, आप गले में चैन पहनकर घूमेंगे, गाड़ी मोटर बंगला सब आपको मिलेगा। कुंवारे हैं तो शादी हो जाएगी, आपका व्यापार साझेदारी में और बढ़िया चलेगा, एक अच्छा पार्टनरशिप में हो जाएगी, आप मजबूत व्यापारी बनकर इस दुनिया को दिखाएंगे, दूसरों के लिए आप खतरा हैं क्योंकि दूसरों की सफलता पर भी आपका अधिकार होगा, ईमानदारी से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ईमानदारी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कोई रोक नहीं सकता, सेहत भी बहुत बढ़िया है। भाग्य का स्वामी गुरु है, और भाग्य का स्वामी जब गुरु हो जाए तो भाग्य को जब गुरु चलाने लगे तो भाग्य से मिलने वाली सभी चीजें आपको मिल जाती हैं। भाग्य का स्वामी गुरु है तो पिता की तरक्की, आपकी तरक्की, आपके परिवार की तरक्की, भाग्य जब मेहनत के साथ जुड़ जाए, भाग्य जब कर्म के साथ जुड़ जाए तो कब मेहनत में सफलता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। छठे का स्वामी भी देव गुरु बृहस्पति है, यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। छठे का स्वामी बृहस्पति होने का मतलब है आपके रोग ऋण कर्जे उतरने वाले हैं, अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं। आपकी नौकरी व्यापार में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, छोटी बड़ी परेशानियां, उनका अंत होने वाला है, शत्रु पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, उसको भागना पड़ेगा, वो आपसे प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाएगा, नौकरी व्यापार कार्य क्षेत्र में सब कुछ सेटल हो जाएगा, जो परेशानियां हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे,
कहीं से भी तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर होगी तो भाई बहन से रिश्ते अच्छे होंगे, भाई बहन से आपको जो भविष्य में काम पड़ना है उन काम को आप कर पाएंगे भाई बहन के साथ। भाई बहन से जो मन मुटाव था वो दूर हो जाएगा। पैतृक संपत्ति मिलने का भी समय है। पिता और माता के आशीर्वाद से आपको धनराशि मिल सकती है। आपका परिवार अच्छा चलेगा, भाइयों से रिश्ते अच्छे चलेंगे, आप जीवन में अच्छे रिजल्ट पाएंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है तो प्यार इश्क मोहब्बत के लिए समय बहुत अच्छा है। आप किसी को पसंद करते हैं उसको प्रपोज कर सकते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं तो शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं, किसी का यदि अगर आपका दिल धड़कता है तो आप उसे बता सकते हैं मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। बहुत अच्छा समय है, पंचम भाव पर दृष्टि होगी, प्यार इश्क मोहब्बत के लिए अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जितना बच्चे मौज मस्ती करेंगे उतना ही बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई भी करेंगे। आपके बच्चे शादी के योग्य हैं, उनका करियर भी सेट होने वाला है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, पति पत्नी के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा होगा, लड़ाई झगड़े जो थोड़े बहुत हैं खत्म हो जाएंगे, आप लोग सुकून की जिंदगी जियेंगे। कहीं ना कहीं आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर, गुरु की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य चमकने वाला है। गुरु की दृष्टि गंगा जल जैसी पवित्र होती है, आपका भाग्य चमकने वाला है, आप खुशकिस्मत होने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत अवस्था में हैं तो ये सारी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए ताकि आपको शुभ परिणाम मिल सके। खुश रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और आगे तरक्की पाइए। यही समय है आगे बढ़ने का, यही समय है तरक्की देने का, यही समय है ऐश मारने का। इस समय को एंजॉय करें, आगे बढ़े, खाए पिए, ऐश करें, बहुत अच्छा समय है। शानदार मेष शुभकामनाएं हैं कर्क राशि वालों के लिए। आपके जीवन का सुनहरा पल शुरू होने वाला है, कुछ ही घंटों के बाद आपके जीवन का शानदार पल शुरू होने वाला है, आपके जीवन की खुशियां आने वाली है। बस आप देखेंगे आपके जीवन का हर सुख मिलने वाला है। राधे राधे। आप परेशान हैं? किस बात से परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।